Hello स्टूडेंट, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में। Myself प्रभास कुमार, आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 इयर्स एंड मेंटोर मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स सो फार। आई हैव ऑल्सो क्लियर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसका एक्सेस हो पाए और सभी को इसका फायदा मिल पाए। आप हमसे टेलीग्राम ऐप पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में अपडेशन मिलेगा, ठीक है। दूसरा, एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगे वो भी आपके साथ शेयर करें। एंड फॉर श्योर शॉर्ट सेलेक्शन, प्लीज गो फॉर सब्सक्रिप्शन प्लान। जैसे ही सब्सक्रिप्शन प्लान पे आप क्लिक करते हैं, वहाँ डिफरेंट मंथ के प्लान आ जाते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 to 24 मंथ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि आप हमेशा चूज करें 12 से 24 मंथ के प्लान को। एक तो ये इकोनॉमिकल है, ठीक है, कंपैरिजन टू 1 मंथ और 3 मंथ। दूसरा, एग्ज़ाम प्रिपेयर करने में साल भर का टाइम लगना लाजमी चीज़ है। क्यों? एक तो लंबा चौड़ा प्रोसेस है एग्ज़ाम का, मेंस, प्री इंटरव्यू जो भी आप देते हैं, तो आप देखिए 3 फेज में एग्ज़ाम देते हैं और सब में 1.5 से 2 महीने का गैप होता है, तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। उस मिड में भी आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो सब सब्जेक्ट के लिए आपके पास अपडेटेड मटेरियल होते जाए, तो ये सारा चीज़ आपको कहाँ मिल जाता है? इस प्लेटफॉर्म पे। एक और इम्पॉर्टेंट, जब भी आप कोई प्लान परचेस करें तो आप इस रेफरेंस कोड का यूज़ करें, दैट इज़ प्रभास, PRABHASS। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जो कॉस्ट 6,000 है वो कहाँ आ जाएगा? 5,400 पे। जो 24 मंथ का कॉस्ट 7,200 है, वो घट करके, बस ये कोड डाला और घट करके 6,400, मतलब हर जगह आप कहीं पे भी अप्लाई करें आपको 10% का बेनिफिट, चाहे वो 3 मंथ या 6 मंथ के समय। मैं हमेशा आपको स्पेसिफिकली कहता हूँ कि 12 से 24 मंथ के प्लान को ही परचेस करें। एक और फायदा ये है कि यहाँ पे नो कॉस्ट EMI का भी फैसिलिटी है, मतलब आप 6 मंथ या 12 या 24 मंथ के प्लान को लेते हैं तो इसको नो कॉस्ट EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टैटिक MCQ सीरीज पहला क्वेश्चन देखते हैं। In which state Ansi National Park is located? A. Kerala, B. Assam, C. Karnataka, D. Uttar Pradesh. The right answer is C. Karnataka. Simple है। तो Karnataka के CM कौन है? तो B.S. Yedurappa. Simple है, ये याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल। सिंपल है। आसाम के कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और केरला के कौन है? ये भी याद रख लेंगे, पिन्नारई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। और कर्नाटका के कौन? वज्जू भाई वल्ला। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है? पहला का सी है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द राइडर कप इज रिलेटेड विथ विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स इवेंट? ए हॉकी, बी गोल्फ, सी फॉर्मूला 1 रेस एंड डी क्रिकेट। द राइट आंसर इज गोल्फ। थर्ड क्वेश्चन है, द कोयना डैम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम ऑफ विच स्टेट? ए केरला, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी असम। द राइट आंसर इज बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम क्या है? ये भी याद रख लेते हैं, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो ये जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं वो हमें याद रख लेना, ठीक है, चाहे आसाम हो, तमिलनाडु हो, केरला है, तो ये सारे स्टेट के CM गवर्नर नॉर्मली कभी भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? बी, ये याद रख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक ऑब्जर्व? 11th अगस्त, ए, बी 14th जून, थर्ड 23rd अप्रैल एंड डी 17th अप्रैल। द राइट आंसर इज 23rd अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्टेट तेजपुर एयरपोर्ट इज लोकेटेड?
ए वेस्ट बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी नागालैंड एंड डी आसाम। तो तेजपुर कहाँ पे? आसाम में। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेट गोलघर इज लोकेटेड? ए बिहार, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर है बिहार। बिहार के कौन है गवर्नर? फग्गू चौहान। राजस्थान के कौन है? तो ये भी याद रख लेंगे, गवर्नर कालराज मिश्रा। कालराज मिश्रा साहब गवर्नर है। सिंपल है। तो हर तरह से हमको याद रखना है कि कौन क्या है कहाँ का, ये सब हमें काम ही आएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, कभी गवर्नर, कभी सीएम, कभी स्टैटिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इन विच स्टेट बालासिनोर डायनासोर फॉसिल पार्क इज लोकेटेड? ए गुजरात, बी दिल्ली, सी पंजाब एंड डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर इज गुजरात। और गुजरात विजय रूपानी साहब सीएम है, और आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत ये गवर्नर है। सिंपल है। अनिल बैजल साहब यहाँ पे, अनिल बैजल ये याद रखेंगे। पंजाब में कौन है सीएम? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। त्रिचूर पल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ए हुगली रिवर, बी कावेरी रिवर, सी कृष्णा रिवर एंड डी यमुना रिवर। द राइट आंसर इज बी कावेरी रिवर। तो डैम, रिवर, इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। देन क्वेश्चन नंबर 9, सत्रिय इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? ए हिमाचल प्रदेश, बी उड़ीसा, सी उत्तराखंड एंड डी आसाम। द राइट आंसर इज आसाम। ठीक है। उत्तराखंड का सबसे फेमस नेशनल पार्क कौन सा है? ये याद रखने, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सिंपल है। तो ये सब याद रखें। अब हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? आपने सुना होगा पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में एक और फेमस है, राजा जी नेशनल पार्क। ठीक है। और वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ पेरू? ए काठमांडू एंड पाउंड, बी लीमा एंड सोल, सी जकार्ता एंड रुपया एंड डी विक्टोरिया एंड रुपी। द राइट आंसर इज पेरू लीमा। ये बी राइट आंसर। तो अगर ये सेशन पसंद आया हो तो आप बेल आइकन पे हिट कर दें और मेरा रेफरेंस कोड जरूर यूज़ करें वाइल परचेजिंग एनी प्लान। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे अपकमिंग वीडियोस के बारे में, यूट्यूब पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा ये सेशन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।